अभी केक आया है, अभी चाची लेके आया है, तो अभी हम लोग जा रहे हैं केक काटने पापा के बर्थडे का। सो चलिए चलते हैं। सुबह से कोई ब्लॉग नहीं किया, अभी जस्ट कर रहे हैं क्योंकि कुछ प्लान ही नहीं था वैसा। और अंजलि सो गया, उसका तबियत खराब हो चुका है काफी। सो आपसे कुछ देखते हैं। और इधर हमारे चाचू है। सो गाइस, हियर इट इज आवर केक, ऑरेंज पेसल, माचिस केक। तो गाइस ये लोग एनी, अरे पहले मम्मी को जाने दो, जला क्यों रही है अभी। इसका सच में क्वालिटी बहुत खराब आ रहा है फोन का। इतना हिम्मत नहीं, 40 मेहंदी दिखा दो एनी। ये देखिए गाइस, इसको मानी मेहंदी लगाई है आज। पता नहीं लोगों कौन से शादी ब्याह में जाना है मेहंदी लगाते। तो अभी हम लोग केक लेके आ गए गाइस, ये नॉन प्लान पार्टी हो रहा है ना एनी? कुछ प्लान था? नथिंग। हम लोग ब्लॉग भी नहीं कर रहे थे बल्कि सुबह से आज पापा के बर्थडे का। गलती क्या है, तुम कर सकती हो। शट अप गाइस, ये बहुत ड्रामा कर दी कैमरा के सामने। तो कोशिश भी मत करना। ओके मानी, तुम मम्मी आ जाओ इधर, उधर पति आ जाओ। चल ठीक है, ज्यादा नहीं जलाने में टाइम। तुम इधर से आ गए, हम लोग इधर से ले सकते हैं। रिकॉर्ड हो रहा है। अरे बाद में खिड़की कटवा लो। ओ बेटा, चलो चलो हैप्पी, चलो क्लैप करो सब। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर पापा, हैप्पी बर्थडे टू यू। हेलो गाइस, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर लो। सो गाइस, अभी मैं काम कर रही थी, जितना भी मेरा सारा कपड़ा था ना गोदरेज में अट नहीं रहा था, तो उसको सजा के अच्छे से रख रही थी। सो वो काम अभी जाते हैं वापस करने, उसके बाद फिर खाना खाते हैं और फिर बताते हैं। तो गाइस, में हमारा चिकन और यहाँ पुलाव है, ये हमारा सैलेड है गाइस। मैंने आपको खाना दिखाई दिया आज क्या बना है। और ये देखिए गाइस, का वाड़ा बना रखा है मैंने अपने रूम का। तो पहले इसको साफ करते हैं, फिर आपसे बात करते हैं, वरना बहुत बहुत सुनेंगे। सो गाइस, अभी जस्ट हमने खाना खा लिया है एंड ये इधर एनी का टांग आ रहा है। एनी अपना पैर नीचे करो ना, थैंक यू एनी, पैर नीचे करो बहन एनी। ये देखिए गाइस, इसका सोने का स्टाइल। और ये भाग्यश्री देखती है, इसका फेवरेट शो, इतना घटिया है भाई। ये देखिए इसका मुंह गाइस। आधा ही ब्लॉगिंग की थी एंड आज कंटिन्यू करती हूँ उस ब्लॉग को। सो अभी सुबह के बज रहे हैं 7:30, नहीं हुए 7:15 हुए। सो अभी मेरा आ गया है चाय। सो गाइस, ये मेरा आ गया है चाय, तो अभी हम पियेंगे चाय और उसके बाद रेडी होंगे कॉलेज। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो अभी सारा क्लास खत्म हो गया और अब हम घर जा रहे हैं। सो आज ज़्यादा ब्लॉगिंग नहीं की, बस अभी जाते वक्त का ब्लॉग कर रही हूँ, घर जा रही हूँ। सो मिलती हूँ घर जाके। तो गाइस, आज मैं अकेले क्लास की क्योंकि शोशो बस मेरा है एंड आज ऊपर क्लास हो नीचे। गाइस, थोड़ी देर पहले घर आ गई हूँ कॉलेज से एंड कॉलेज में ज़्यादा ब्लॉगिंग की, क्या डेली दिखाओ वही कॉलेज वही सब कुछ इसके। सो आ गई घर, अभी खाना भी खा लिया, भात दाल चावल नींबू का अचार एंड सब्जी में था सी मालू जो मैं खाती नहीं, इसलिए मैं बादल चार खा ली एंड मानी चली गई कोचिंग। सो अभी आपको थोड़ी देर बाद आपसे बात करते क्योंकि अभी अपन जा रहे हैं रेस्ट करने, क्योंकि अपन का बैग का धजी उड़ गया है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू ताजु ब्लॉग। तो आज मैं जा रही हूँ कोचिंग, अगर मेरा कोचिंग फिनिश हो जाएगा फिर मैं जाऊँगी ईयर पर्सन करवाने, तो आप बने रहिएगा साथ में ब्लॉग के। सो गाइज, फाइनली हम लोग ईयर शॉप पे आ चुके थे और अंकल मतलब पेन से वहाँ पे पॉइंट कर रहे थे जहाँ हम लोग को पर्सिंग करवाना था। इसका तो बिल्कुल मुंह सूख रहा था, इतनी डर चुकी थी। और इसको ही करवाने के लिए ये बहुत थी, चलना यार करवाते हैं कब। और फर्स्ट इसी को मैंने भेजा था क्योंकि मुझे बहुत डर लग रहा था कि ज़्यादा पेन होगा तो फिर मैं नहीं करवाऊँगी, लेकिन एकदम लेस पेन हुआ। अब वीडियो में देखेंगे हम लोग का रिएक्शन, तो आप लोग को खुद पता चल ही जाएगा हम लोग को कितना पेन हुआ था।
सो गाइज अब मेरा टर्न आ चुका था, अंकल मेरे भी ईयर पे पॉइंट कर रहे थे और कोई उनके पास क्रीम था जैसे नंब हो जाता वो रब कर रहे थे, उसके बाद मेरा पर्सिंग होता। और गाइज मैं आपको तो प्रीफर करूँगी कि आप लोग गन पर्सिंग करवाएं, जिसे अगर थोड़ा सा भी पेन फील होता है उसके लिए मैं बोल रही हूँ, जिसे नहीं होता है तो वो अपना नीडल करवा सकते हैं। हम जैसों के लिए गन पर्सिंग बेटर है, ऑप्शन है। और मेरे बाद अब दीदी भी करवाएगी क्योंकि उसे बहुत अच्छा लगा, तो दीदी भी करवाएगी और एन का नोज़ पर्सिंग करवाना तो वो भी करवाएंगी, उसका अलग ब्लॉग आएगा आप लोग देखिएगा। पर्सिंग डन करवा चुकी हूँ और बिल्कुल भी पेन नहीं था, लेस पेन हुआ था और मम्मी को भी ये अच्छा लगा। इंग्लिश में बोल के तो लगा दिया था। मम्मी तुमको कैसा लगा मेरा ईयर पर्सिंग? बहुत अच्छा लगा। थैंक यू मम्मी। दीदी तुमको कैसा लगा बताओ? अच्छा पड़ी दी। तालियां होनी चाहिए यार हमारे लिए। बक्सा खोलने के मुसीबत क्या चल। सो गाइस मम्मी भी बहुत लोग का ईयर पर्सिंग कर चुकी है। मम्मी तुम किससे करती थी? सुई से आना तो कांटा से। मम्मी ऐसी बात करते करते उसका मतलब ईयर पर्स कर देती थी। गाइस मानी ऐसे बोलती है, थैंक यू मम्मी। बतियाते बतियाते छेद दो, पता भी नहीं चलेगा। गाइस पर रूल में आज नहीं ना चप्पल के बिना, तो ये चलते चलते पर में कांटा कर गया। क्या करता था? निकाल के फेंक दिया। निकाला सुई से। गाइस दीदी को भी ईयर पर्सिंग करवाना है लेकिन उसको लग रहा है कि दर्द होगा, लेकिन दर्द नहीं होगा। दर्द बोल रहे मम्मी, मतलब उसमें खट्टा खाने ये सब मना किया था इसलिए दीदी नहीं करना चाहती। उनको एलर्जी है। हाँ दीदी को एलर्जी भी है, उसको सिर्फ गोल्ड सूट करता है। हम बोले थे मम्मी इसका नोज पिन करवा दो, जैसा तुम्हारा वो वैसा करवाना, जैसा कान पे करवा कर जींस पहनना। नहीं अभी हम नहीं जाएंगे। माँ जी हमें भी चप्पल आज पागल हो, आज हम नहीं जाएंगे। माँ जी हमें एलर्जी होती है चप्पल से, हमें हीरे के एलर्जी नहीं होती है। रखी हूँ छोटा सा, मैं हीरे से एलर्जी नहीं। यार हम तो आज तक इसको नहीं खोले। तो गाइस दीदी यहाँ पे पढ़ रही है। क्या कर रही हो मानी? और एनिंग को बैठना था तो वो मेरी गोदी में आके बैठी हुई है, हटने का नाम ही नहीं ले रही। और गाइस कल एनी जा रही है, जा रही हूँ एनी। यार क्या बकवास करते रहती हूँ बाप। आप लोग तो देख ही लिए, मानी ने अपना कान छिड़वा लिया है और अभी रात हो गया है। एंड क्या ऐसे तू कर ले या तो करने दे। ओके ज्यादा बोल रही है पंजाबी। नहीं नहीं सुनो सुनो सुनो, पंजाबी नहीं बोल रहे, बात ये है ना कि कॉलेज में अपन नहीं ना बोल सकता ऐसे चल भाई साइड हो, तो अब कॉलेज वाला भाषा तो जरा घर पे आने लगा है। अच्छे से इज्जत से बात करते हैं कॉलेज में अपन, अपन लोग का इज्जत नहीं है बिल्कुल भी। तो गाइस अपन भी अपना कोल्ड ड्रिंक पी लेता है, इधर अंशु पी रहा है। तो मानी का बोली है रख देने, सो उसका रख देती हूँ फ्रिज में। आशु और मैं पी लेती हूँ। तो गाइस यानी नींद में से उठ के बस कोल्ड ड्रिंक के लिए, बस नींद से उठी है पीने के लिए। एनी हाय करो। सो गाइस आज के ब्लॉग में बस इतना ही, मिलता है कल न्यू ब्लॉग के साथ। टाटा बाय बाय, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं न्यू ब्लॉग में।